है मृत्तिका के घट आदि सारे। वेदांत चर्चा ब्रह्म वेद खोवे, अद्वैत दर्शी सुख नींद सोवे। तो इस अद्वैत तत्व में हमको नित्य निरंतर रहना है और फिर जगत को कैसे जीना है, बाध के दृष्टि से, बाध वृत्ति, ये बाध वृत्ति को पकड़ लेना आज का महत्व का वह शब्द बाध वृत्ति। बाध वृत्ति क्या है, जैसे एक नाटक करने वाला एक्टर स्टेज पर नाटक कर रहा है कि वो राजा है, सभी लोग देख रहे हैं उसको और सब लोग तालियां भी बजा रहे, बढ़िया हो रहा है, ये सब होते समय भी उस एक्टर को मालूम होता है कि वो राजा नहीं है, फिर वो केवल एक्टिंग कर रहा है। इसको कहते हैं बाध दृष्टि से जीवन जीना। तो जो जो हमारी औपाधिक अनेकता विशेषता है उसका आदर करो, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप इनका आदर करो, सबके साथ प्रेम से रहो, देखो। और ये सब करते हुए ये मत भूलना कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ और जीवन का लक्ष्य केवल तत्व का ज्ञान है। ये जितना भी बाकी का चल रहा है, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, ये सब नाटक है, हो गया। आपने सब कुछ सीख लिया वेदांत, वेदांत चर्चा कर नित्य भोला, एकत्व कर ले दृढ़ ठोस गोला, दे तोड़ माया गढ़ मात्र पोला, सार्थक होवे नर दिव्य चोला। इसीलिए हे भोला महाराज कहते हैं वेदांत चर्चा कर नित्य, नित्य निरंतर वेदांत की चर्चा होनी चाहिए। अन्य के साथ चर्चा और अपने साथ चिंतन, हम लोगों ने ये पढ़ा है कई बार, पंचदशी में पढ़ा है, योग वशिष्ठ में पढ़ा है, वहाँ भी हमको यही बताया था, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतद् एक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। यही हमको अभ्यास करना है, हम लोग जो कर रहे हैं ना यही है POK, प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज। वेदांत चर्चा कर नित्य भोला, एकत्व कर ले दृढ़ ठोस गोला, और इस एक तत्व में दृढ़ हो जाओ। देखो आकाश को ग्रहण करना हो तो ये दिशाओं के प्रभाव से मुक्त होना है। देखो बिल्कुल सरल बात है, दिशा विशेषता है, आकाश निर्विशेष है। यदि विषयों से मुक्त होना है, विषयों की विशेषता का त्याग छोड़ कर दो, जहाँ विशेषताओं का त्याग कर दिया आप निर्विशेष में माने इंद्रियों में आ गए, फिर इंद्रियों की विशेषता का त्याग कर दो तो मन में आ गए, मन के द्वंद्वों का त्याग कर दो तो मय बुद्धि में आ गए, और इसका त्याग कर दो तो जो निर्विशेष मय है उसी को कहते जीवन या चेतना। देखो चेतना में, चेतना ये निर्विशेष सत्ता है, थोड़े हद तक, पूरी नहीं, क्योंकि निर्विशेष सत्ता पूरी इसलिए नहीं है कि चेतना फिर जड़ है, तो जड़ चेतन हो गई ना, तो इसमें भी विशेषता आ गई, जड़ सत्ता और चेतन सत्ता। तो परमात्मा क्या है, इन जड़ चेतन का आधार, इसी को कहते जड़त्व के दृष्टि से उपादान कारण और चेतना के दृष्टि से निमित्त कारण। जिसमें यह जड़ चेतन का भेद नहीं है वह अपना स्वरूप है, इसको ग्रहण करो। जब हम इसको ग्रहण करना, यह अध्यात्म है ये सीख लेंगे ना, तब देखो आप सार्थक होवे नरदिव्य चोला, फिर ये माया का जो गढ़ है उसको एकदम पोला है, उसमें कुछ नहीं है, न होती हुई हम दुखी हो रहे। देखो एक माँ दुखी होती है अपने लड़की के लिए, अब वो माँ नाम की वस्तु ही है ही क्या, दो स्त्री के देह है देखो, लेकिन उसमें ऐसे फंस गए हैं निकलना कठिन है। विशेषताओं को महत्व देने से मनुष्य विशेष रूप से दुखी होता है, हमको अपने आप को इस विशेषताओं से बचाना है और निर्विशेष स्वरूप में आना है। स
संसार तमाशा ग्यारवा छंद। संसार है नाटक का तमाशा, कीजे खुशी से तज सर्व आशा। अच्छा तमाशा अथवा बुरा है, टोटा न पाना कुछ मात्र कुछ पात्र का है। संसार है नाटक का तमाशा। देखो महाराज, सभी साधु संत अनेक वर्ष की साधना करने के बाद, अनेक बातें बताने के बाद इस अंतिम निर्णय पर पहुंचते हैं, ये दुनिया कर्नाटक, आपकी सभी समस्याओं का समाधान इसमें है। इसीलिए हमारे यहाँ रामलीला और कृष्ण लीला, इसका आनंद चलता है। लीला माने क्या, जो दिखता है हो रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। संसार है नाटक का तमाशा, ये सब चल रहा है। देखो आप मौज में रहो, एंजॉय द ड्रामा। वहाँ ये इंक्वायरी मत करना कि इस आदमी ने ये नाटक में काम किया, उसको कितना पैसा मिलता होगा, उसको कितना मिलता होगा, आपको क्या फर्क पड़ता है। ड्रामा देखो और निकल जाओ, भूल जाओ बाद में। संसार है नाटक का तमाशा, कीजिए खुशी से तज सर्व आशा। तो जो जो आपको नाटक में काम करना है करो। देखो, जब एक टैक्सी वाला किसी को मंदिर में ले जाता है तो उसको पुण्य नहीं लगता, उसको अपना टैक्सी का किराया मिल जाता है। फिर मंदिर से एक आदमी आया, उसने वही टैक्सी को कहा चलो मुझे मदिरा के दुकान पर ले चलो, तो पहले सॉलिड स्पिरिचुअलिटी अब लिक्विड स्पिरिचुअलिटी में जा रहे। तो जब उसको वहाँ ले जाएगा तो उस टैक्सी वाले को पाप नहीं लगेगा, उसको अपना टैक्सी का किराया मिलेगा, क्योंकि उसको लेना देना कुछ नहीं दुनिया से। इसी प्रकार से कीजिए खुशी से तज सर्व आशा। कोई ये अपेक्षा मत रखे कि हमारे करने से कहने से कुछ होता है, जो योग्य है वही हो रहा है दुनिया में, कोई अयोग्य नहीं होता। लेकिन हम लोग मानते नहीं, अपनी ही मनवाएंगे, दुखी होंगे, जिद्दी होंगे। इसमें अपने आप को मत फंसाओ बाबा, मत फंसाओ। कीजिए खुशी से तज सर्व आशा। तो जो जो रोल आपको मिला है, पति का, पत्नी का, माँ का, बच्चे का, सास का, वो बढ़िया से बढ़िया करो, लेकिन फंसो मत कहीं। फंसना क्या है, आशा, किसी से भी कोई अपेक्षा ना रखें।